हेलो एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स। और एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे थोड़े से वीडियो कम क्यों आ रहे हैं। थोड़े से वीडियो कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सूर्य देवता की कृपा बहुत ज्यादा बरस रही है। काफी लोगों ने वैसे कमेंट्स में लिखा भी था कि बाहर के कुछ अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाके वीडियो मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, वो इस वक्त इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, वो वीडियो इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है। और मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मुझसे गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है, वो भी जब इतनी होती है तब स्पेशली। और गर्मी से याद आया, अभी जस्ट कुछ काम से बाहर निकला था, कुछ ठंडा पिया जाए तो कुछ फ्रेंड साथ में थे तो हम सीसीडी गए, तो वहां पे मैंने कहा यार कॉफी वॉफी पीऊंगा नहीं, कोल्ड कॉफी भी नहीं पीऊंगा, तो मैंने ऑर्डर कर दिया वर्जिन मोहितो। ठीक है, बेसिकली लाइम वगैरह सब मिला होता है और काफी रिफ्रेशिंग होती है। लेकिन काफी टाइम पहले मतलब मम्मी ने मेरे को बताया था वर्जिन मोहितो कुछ इस तरीके से बन सकता है, और मैंने जब वहां पे जाके देखा तो मतलब उस चीज की ये लोग इतने ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने आज डिसाइड किया, वहां का तो खैर पी लिया, मैंने ये डिसाइड किया कि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे पैसे बचाएगा और तुम्हें वर्जिन मोहितो बनाना सिखाएगा। तो अब मैं जो वर्जिन मोहितो में चीजें लगती है ना, ज्यादा चीजें नहीं लगती, आराम से घर पे बना सकते हो। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाके वहां पे पिलाते हो, अपनी जेब कटवाते हो ना, उसका आसान काम मैं तुम्हें अपने घर पे बताऊंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी इम्प्रेस हो जाएगी, घर वालों को भी बना के पिलाओ, उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, पहले क्या क्या चीजें चाहिए होती है ना वो लेते हैं। राइट, तो पहला मांगा है नेशनल लूम में, चारों तरफ बर्तन बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन हमको पहले चाहिए मडलर। अब मडलर कई लोगों को नहीं पता होगा, वो नहीं होता इलायची विलायची कूटते हैं, उसी तरीके का कुछ होता है लेकिन लकड़ी का होता है। वो ग्लास वाली ग्लास में यूज करना है तो वो टूट ना जाए, तो वो ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं मिला है तो कहीं और चलते हैं, वो जरूरी है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, देसी तरीका आजमाएंगे, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऑल राइट, तो देखिए अब छोटी छोटी ग्लासेस दिखती हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। और एक और चीज़ बताता हूँ, बार के अंदर वो जो पैक नापते ना, ये हो गया 30 ml, ये हो गया 60 ml। मोहितो बना रहे हैं ना तो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ आपको, वैसे हम नॉन अल्कोहलिक बनाने वाले हैं। Cheers. आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक जबरदस्त चीज सुनाता हूँ। काफी टाइम से हम इस पे काम कर रहे हैं और हो सकता है कि शायद अगला वीडियो यही होगा, कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा, अगला ये होगा, अभी काम इस पे चल रहा है। लेकिन थोड़े से जो मैं इसका एक पोर्शन कुछ आपको सुनाता हूँ तो तुम्हें इससे आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज अगली आने वाली है। तो टैलेंट दिखाने के लिए अब कहीं जाना नहीं, अगर है तुम्हें बात तो यूट्यूब जैसा खजाना नहीं, ऑडिशन की लाइन से तुमको ये बचाएगा, अगर है कोई टैलेंट तो बहुत आगे ले जाएगा, सिर्फ दूसरों को देख के इस प्लेटफॉर्म पे कभी आना नहीं मांगा नहीं। हुआ कुछ आइडिया क्या हो सकता है अगला वीडियो? हो तो गया ही होगा। चलो चलो अब वर्जिन मोहितो बनाना है, आइडिया लगाओ, कमेंट करो और मैं जो चीजें लेने जानी है वो आगे बढ़ता हूँ। तो अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे थे, मडलर तो मिला नहीं कई लोगों को, तो खैर मडलर का नाम भी पहली बार सुना था। चलो छोड़ो, अभी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल हमारे जो रेलवे स्टेशन है ना, वहां की एक बीच में वॉल थी, काफी मतलब नीरस टाइप थी, उसको पेंट करके यहाँ के कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहीं पे ग्रेफिटी बना दी, कहीं पे अलग अलग चित्र बनाए हैं। एक में तो बिल्कुल मेरे सामने गब्बर है, अगर कैमरामैन दिखाएगा तो एक बार आपको दिखेगा, देखो उस पर लिखा हुआ, अरे ओ सांबा तेरा हेलमेट कहाँ है रे, और गब्बर ने हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ है। मैं ये पूरी वॉल है ना एक बार वापस वहां से टर्न लेके आता हूँ और फिर ढंग से दिखाता हूँ, साइड में देखना इतना अच्छा बना है ना। अब इससे टूरिस्ट जितने भी आएंगे रेलवे स्टेशन से होके जब यहाँ से निकलेंगे ना तो बिल्कुल एक नंबर उनको मजा आ जाएगा कि सिटी में कितने कलाकार बसते हैं। ज्यादा बात नहीं करते, मैं एक चक्कर लगाता हूँ, आप देखना साइड में। और ये किचन तो जानी पहचानी आपको लगी रही होगी, जी हाँ प्रमिलास कुकबुक की किचन है। और मैं एक रेसिपी अकेला नहीं बनाने वाला हूँ, वो भी मेरा साथ देने वाली है, मम्मी के साथ बनाऊंगा क्योंकि सीखी भी उनसे ही है। तो अब मडलर जो मैं इतनी देर से बाजार में ढूंढ रहा था वो नहीं मिला मुझे,
अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पहले मैं बता देता हूँ कुछ चीजें जो मैंने ली दिखाई नहीं उस समय लेते हुए क्या क्या लिया था। तो ये पुदीना है, नॉर्मल पुदीना, फ्रेश वाला, हरी पत्तियां वाला। और ये 3-4 नींबू लिए थे, एक नींबू और लिया था वो मैंने काट लिया अभी फिलहाल, तो ये लिया है। और ये अराउंड मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो 20-22 रुपए का आ गया। अब इसके अंदर ऑप्शन है कि आप सोडे के साथ भी बना सकते हैं, या फिर स्प्राइट या माउंटेन ड्यू, जो भी आपकी फेवरेट है, ब्लैक बनानी तो थम्स अप या पेप्सी, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों लिया था, सोडा और माउंटेन ड्यू। अब इसके अंदर आपकी चॉइस है, आपको माउंटेन ड्यू चाहिए, सोडा चाहिए, देखता हूँ मेरा क्या मन होता है वो डाल दूंगा मैं। तो ये कस्टमाइजेबल है, आपकी जो मर्जी हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है इसमें पोलो, ठीक है। पोलो तो सबको पता ही होगा यार, किसको नहीं पता है। ये 5-5 रुपए के दो है, यानी 10 रुपए लगे, मैंने दो पैकेट लिए, और ये दो पैकेट पूरे नहीं लगेंगे, एक ग्लास के अंदर अराउंड 2 या 3 पोलो क्रश करके डालनी है। तो ये है पोलो। और जो मैंने कहा था, मैंने नींबू जो वो इस तरीके से काट लेना है आपको, नींबू पीसेस भी डालेंगे, उसके ऊपर जूस भी डालेंगे। तो अब बुला लेते हैं प्रमिला कुकबुक को, फिर उनके साथ में मैं मिलके और वर्जिन मोहितो बनाऊंगा। ऑलराइट, तो बाकी सारी चीजें मिल गई। एक मडलर होता है, जो कि आप जैसे अपन वो कूटते हैं ना इलायची वगैरह वो सांचे के अंदर, उस तरीके का होता है, लेकिन वो लकड़ी का होता है। जिसको ब्लॉग देखना, आप देखना, मुझे कहीं नहीं मिला, तो अब उसका वो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मम्मी पीछे ही खड़े, मम्मी इसका वो सॉल्यूशन है, तो कुछ इसका ये सॉल्यूशन लाई हूं मैं, देसी मडलर। ये देखो, ये लोहे का तो नहीं है? नहीं नहीं, ये एल्युमिनियम का, लेकिन इसका वेट नहीं है ज्यादा। लोहे वाले मैं नहीं लाई हूँ, वो भी पड़े हैं, लेकिन ये थोड़ा मडलर के काम में, जैसे लकड़ी का होता है उसकी जगह ये काम में देगा। ये देसी मडलर है, तो ये हल्का फुल्का है, तो ये कांच की जो ग्लास है उसको फोड़ेगा नहीं, तो एक बार बस थोड़ा सा स्क्वीज करना है, स्क्वीज करने के लिए काम में आ जाएगा। अब ये भी ना होना तो चम्मच से कर लेना, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बनाऊ मैं? बनाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वर्जिन मोहितो बनाना। जल्दी शुरू कर, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है और बर्फ भी पिघल रहा है, और हमको पीना है, जल्दी फ्रेश होना है। पीना है, फ्रेश होना है, तो बनाते हैं आपके लिए वर्जिन मोहितो। तो ये है हमारा पोलो का है, जो मैंने क्रश कर दिया इस तरीके से, आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा ले लेंगे, ये मैंने एटलीस्ट 2 ग्लास के लिए क्रश किया, लेना अपन को इतना सही है। तो ये ग्लास में हम डाल देंगे थोड़ा, एक पैकेट हमने पूरा क्रश कर लिया छोटा, 5 रुपए वाला। अब इसमें मैं थोड़ा सा लाइम स्क्वीज कर देता हूँ, और इसको तो क्या है कि आपस में थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये हमारे पास यंत्र है, इसके अंदर हम थोड़ा सा लेमन जूस हमने इसमें स्क्वीज कर दिया है, थोड़ा सा बज्जा है तो हाथ से भी कर लें। ये यंत्र पूरा जस्टिस नहीं करता इसके साथ, मैं पूरा निकालूंगा, पैसे पूरे दिए थे इसके। अब इसको तो रख देते हैं हम साइड में। अब थोड़े से ये मिंट लीव्स, हमारे पुदीना के पत्ते फ्रेश, इसमें हमने डाल दिए, और एक दो ऐसे तोड़ के भी डाल, एक दो तोड़ के भी डाल देते हैं, जैसा आप कहें। आप तो कुक हैं, तो आपकी बात हमें माननी पड़ेगी। एक दो तोड़ दिए, बस बहुत है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा है देसी मडलर, क्योंकि लकड़ी वाला मिला नहीं। अब इसको ध्यान से करना, आप लोग भी करो, तो बस हल्का सा प्रेशर देके और अंदर घुमा देना है, थोड़ा सा मिंट के पत्ते और सब कुछ आपस में मिक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो रहे हैं देसी से, तो अरे मजा आ गया। देखो ऐसे तो वो क्या है, लकड़ी उससे ही नहीं होता है। क्या मतलब, मैं मॉकटेल बना रहा हूँ, पीने से पहले ही मजा आ गया है शेफ को तो। और आप चाहे तो इसके अंदर काला नमक या फिर थोड़ा सा चाट मसाला, ये जो भी आपको चाहिए नमक भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं थोड़े से, ये जो मैंने हमने पीसेस काट के रखे थे लेमन के 3-4, ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। और मेन क्रश्ड आइस है, वो क्रश्ड आइस थोड़ी सी पिघल गई है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े बड़ी वाली डेले भी डाल देता हूँ, गर्मी इतनी है क्या कर सकते। थोड़ा डाल दूं क्या काला नमक? काले नमक की क्या जरूरत है इसमें? अरे बहुत जोरदार बन जाएगा ये देखिए, अब इसमें हमने डाल दी है। इसको देखते ही आपको ठंड तो नहीं लग रही ना लोगों, दर्शकों? पसीना आ रहा है हमारे तो। हाँ अब मैं इसमें सोडा ऑप्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो मैंने आपको बताया था माउंटेन ड्यू या स्प्राइट, जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। ओहो तहलका मच गया इस बोतल में तो खुल गया है। मन ललचा गया ना, क्या बात है, मन ललचा गया। देखिए छोरे ने बना दी एक रेसिपी, सीख गया मेरे साथ, सीख गया, सीख गया लड़का, सीख गया लड़का, बड़ा हो गया है। बढ़िया है काम, आई गया ये देखिए आप, देखिए मतलब ये जो क्या मतलब गजब काम हो रहा है, बहुत ही गजब हुआ है ये तो भाई। अब इसको थोड़ा सा ना ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि सब चीजें मिक्स हो जाएं। आए हाय हाय,
आप चाहें तो इसके अंदर स्ट्रॉ डाल के पी सकते हैं, या फिर वैसे ही पी सकते हैं, या फिर इसमें काला नमक भी डाल के पी सकते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग है, देख सकते हैं आप बिल्कुल कैसे बुलबुले से उठ रहे हैं अंदर बीच में। राइट, तो आप एक और मोहितो आपको मैं बना के बता रहा हूँ, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। और वो वाले मोहितो में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसमें थोड़ा सा मीठा कम रहेगा, तो किसी को अगर पसंद हो तो उसमें हल्का सा शुगर पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, तो मिठास उसकी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको सेकंड तरीके के वर्जिन मोहितो बना के बताता हूँ। काफी हिस्सा सेम रहने वाला है और कुछ चीजें चेंज होने वाली है, जैसे कि ये है शुगर पाउडर, तो थोड़ा सा जैसा भी आपको पसंद हो ले लीजिएगा। मैंने ये अराउंड एक चम्मच ले लिया है, एक चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया है। ये है चाट मसाला, अराउंड हाफ टी स्पून समझ लीजिए वो मैं डाल रहा हूँ इसमें, ये मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून चाट मसाला हो गया। और इसके अंदर एक चीज है कि इसमें हम मिंट जो पोलो बताया था वो नहीं डाल रहे हैं। जो कम शक्कर पीते हैं वो उस वाले मोहितो को बना के ट्राई कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा मीठा पसंद है तो वो ये वाला बना सकते हैं। ये हमारा देसी तरीका है। और जो ये चाट मसाला हमने इसलिए डाला है, इसके अंदर काली मिर्ची है, जीरा है और काला नमक सब मिक्स होते हैं, और आप चाहे तो खाली काला नमक भी डाल सकते हैं, इसके अंदर सब मिक्स है तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हमारा औजार आ गया है, तो एक हाफ पीस ऑफ लेमन हम इसमें स्क्वीज कर देते हैं। मम्मी क्या कहते हो, एक पूरा कर दें? हैं? एक पूरा कर दें इसमें, अलग मजा आ जाएगा। बहुत है ये, आधा बहुत है, तो चलिए फिर आधा रखते हैं। तो आधा लेमन हमने इसमें स्क्वीज कर दिए। अब थोड़े से ये मिंट लीव्स हो गए हैं, हाथ से तोड़ तोड़ के, है ना, दो दो, ठीक है। तो ये डाल दिए हमने इसमें, दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, मेरे ख्याल से इतनी पत्ती बहुत है ना, ठीक है। और साथ में हम दो या तीन पीस हम ये इसके लेमन के भी इसमें डाल देते हैं, और इसको वही हमारा देसी मडलर इससे थोड़ा सा दम लगा के और स्क्वीज कर देते हैं। इससे क्या होगा कि मिंट लीव्स का जो फ्लेवर होगा वो भी फ्री हो जाएगा इसमें ड्रिंक में, जब भी हम जैसे ही सोडा ऐड करेंगे तो पूरे में उसका फ्लेवर आ जाएगा। आई थिंक इतना बहुत है ना, हमें क्रश हो गया, ज्यादा दम लगा दिया तो ग्लास के 12 बज जाएंगे। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी आइस, और यदि किसी को सोडा पसंद नहीं हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं, चिल्ड वाटर इसके अंदर। लेकिन सोडा से एक वो जो टैंगीनेस आएगा, टैंगीनेस आता है। और यदि आपको चाहिए तो कोई स्प्राइट वगैरह आपके पास पड़ी है घर में तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं सोडा, ये सीन सबसे बढ़िया होता है, थोड़ा पास से दिखाएं इसको आप, आहा देखते ही मतलब मन में तरावट आ जाती है हमें, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब ये हो गया है तैयार हमारा, थोड़ा सा इसको टॉस कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो सब चीजें सारे इंग्रेडिएंट हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं, घुमा लेते हैं इसको। आई थिंक सब कुछ परफेक्टली बिल्कुल मिक्स हो चुका है, और ये हमारा जो सेकंड देसी वर्जिन मोहितो है जो हमने इन्वेंट किया है वो भी तैयार है। तो मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज मम्मी ने अपने चैनल पे भी फीचर होने दिया दूसरी बार, और अगर मैंने इसका एक व्लॉग भी बनाया तो अगर किसी को देखना है तो वो कहाँ देख सकते हैं मम्मी? रमीला स्कूपू व्लॉग, व्लॉग पीसीबी व्लॉग्स। मुझे तो मेरा ही चैनल याद आता है। सही बात है, खैर लेकिन थैंक यू। और ये देखिए, ये हमारा जो पहला वाला था, जितने भी कम शुगर जो पीते हैं वही इसको ट्राई कर सकते हैं, ये हमारा खुद का वर्जन है, इसको जरूर पीजिएगा, बिल्कुल ये बहुत देसी तरीका है, दोनों ही अमेजिंग है और बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और इसको भी कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रमिला कुक बुक को, और अगर व्लॉग्स देखना पसंद है तो पीसीबी व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करिएगा। धीरे बूढ़ी हो रही हूँ तो इसको शेफ बना दूंगी, तो फिर इसकी रेसिपी देख लेना। ऐसा होगा क्या? मैं बना दूंगा आप जितनी, तो मैं नहीं बना पाऊंगा। एक बार सिप लेके तो बताओ कैसा बना है वो। ये तो ऑलवेज अच्छा ही बनता है, तरा हुआ टाली गर्मी है, इसमें थोड़ा मीठा कम रहेगा, है ना। इसमें भी शुगर डाल सकते हो, पोलो मिंट की जगह शुगर का यूज कर सकते हैं, शुगर पाउडर। बिल्कुल, तो जैसे आप एंड करते हो, आपका चैनल है तो आप एंड करो। तो फिर देखा आपने, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और गर्मियों में बहुत ही अच्छा कूल रिफ्रेशिंग आपको देगा ये, और कोई गेस्ट आए तो भी आप बना के इसे पिला सकते हैं, तो इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए और इसे बनाइए और पिलाइए। और यदि आपको हम दोनों की रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और मेरा मेरा भी लास्ट में पीसीबी व्लॉग्स पे भी जाएगा, तो
डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन. ठीक है, चीयर्स.